Good morning, everyone. Continuing with our next topic, reasons for the development of market segmentation. At present, अगर हम देखें तो हर एक जो कंपनी है वो अडॉप्ट कर रही है मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट और यूज कर रही है मार्केट सेगमेंटेशन को एज अ पार्ट ऑफ इट्स मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. इवन जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स हैं इस स्ट्रैटेजी को अपना के वो भी कम्पीट कर सकते हैं नेशनल लेवल मार्केट्स में. तो ये इंक्रीज करती है अंडरस्टैंडिंग जो टारगेट आपके कंज्यूमर्स हैं उनकी रियल नीड्स की और जिससे आप उनकी जो नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई कर सकते हो. तो रीज़न क्या है कि क्यों जो मार्केट सेगमेंटेशन है उसे एज अ स्ट्रैटेजी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कंज्यूमर्स के लिए और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए उसे यूज़ कर रहे हैं. सबसे पहला जो रीज़न है दैट इज़ कस्टमर ओरिएंटेशन. कंपनीज क्योंकि मार्केट मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट यूज कर रही हैं. मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि कस्टमर इज द अल्टीमेट किंग और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन ही मेन ऑब्जेक्टिव है. तो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए उसको जो करेक्टरिस्टिक है उसके आइडेंटिफाई करना उसको जरूरी है क्योंकि तभी आप उनकी जो नीड्स हैं उसको फुलफिल कर पाओगे और उसके लिए जो मार्केट सेगमेंटेशन है वो जरूरी है. क्योंकि मार्केट सेगमेंटेशन से एक जो मैन्युफैक्चरर होता है वो ज्यादा क्लोज आ जाता है अपने कस्टमर्स के, बेटर अंडरस्टैंड करता है उनकी रियल नीड्स को और चेंजिंग बिहेवियर को. देन नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है तो ये चीज पॉसिबल है कि आप मोर और लेस सेम कॉस्ट पर विद द यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मॉडर्न मशीनरी आप गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हो. डिफरेंट जो सेगमेंट्स हैं मार्केट के उनके जो कंज्यूमर्स हैं उनकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए. लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि एक प्लांट है अगर और वो आइसक्रीम प्रोड्यूस कर रहा है 8 या मोर फ्लेवर्स में, वो सेम प्लांट से जो आइसक्रीम है प्रोड्यूस कर सकता है और डिफरेंट कस्टमर्स की जो नीड्स है उसको सेटिस्फाई कर सकता है. ये दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी कि आप एक ही रिसोर्स से डिफरेंट सेट ऑफ कस्टमर्स की जो नीड्स हैं उसको पूरा कर पा रहे हैं. द नेक्स्ट इज यूज ऑफ कॉस्ट रिड्यूसिंग टेक्निक्स. बिजनेसेस जो हैं वो न्यू टेक्निक्स ढूंढते हैं कि किस तरीके से जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस किया जा सके. जैसे ओपन शेल्फ सिस्टम, अब डिपार्टमेंटल स्टोर्स में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको सामान ऑलरेडी शेल्फ में लगा मिलेगा. आपको पर्टिकुलर पर्सन को कहने की ज़रूरत नहीं है, उसे लिस्ट देने की ज़रूरत नहीं है कि आप ये दीजिए. जो कस्टमर है वो अपने आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक दूसरे के साथ कंपेयर करके चूज कर सकता है. सेम तरीके से सेल्फ सर्विस सेंटर्स हैं जैसे आपके रेस्टोरेंट और फास्ट फूड सेंटर्स में यूज होते हैं कि अपने आप जो कस्टमर है वो सेल्फ सर्विस कर रहा है. तो इससे जो है आपकी एक तो जो पर्सन है उसकी नीड कम हो रही है, मतलब आपको कम लेबर चाहिए, सेम तरीके से टाइम आपका ज़्यादा कंज्यूम नहीं हो रहा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको कॉस्ट इफेक्टिवनेस मिलती है. आप यूज़ एंड डिस्ट्रॉय पैकेजेस यूज़ कर रहे हैं. तो ये डिफरेंट टेक्निक्स है जिसके थ्रू जो मार्केटर है वो मैच करता है प्रोडक्ट को विद द मार्केट और मार्केट सेगमेंटेशन उसके लिए हेल्पफुल है. देन नेक्स्ट इज इंक्रीज इन परचेजिंग पावर. जो परचेजिंग पावर है कंज्यूमर्स की वो इंक्रीज हुई है. पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुआ है, फैमिली इनकम इंक्रीज हुए हैं, अब ज़्यादा नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं वो वर्किंग हो गए हैं तो जो परचेजिंग पावर है कंज्यूमर्स की वो इंक्रीज हो गई है जिससे अब जो कंज्यूमर है वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट हाई प्राइजेस जो है वो खरीद सकता है और ये ईजी हो जाता है सेगमेंट करना मार्केट को ऑन इनकम बेसिस कि प्रोडक्ट्स हाई इनकम ग्रुप के लिए कौन से हैं, मिडिल इनकम ग्रुप के लिए कौन से हैं. तो ये फैक्टर भी हेल्पफुल है इन द डेवलपमेंट ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन. द नेक्स्ट इज इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन. अवेलेबिलिटी होना, गुड नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स की हर एक प्रोडक्ट के लिए मार्केट कॉम्पिटिशन को इंक्रीज करती है और मार्केट कंज्यूमर ओरिएंटेड है तो हर एक जो मैन्युफैक्चरर है वो अट्रैक्ट करना चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ बायर्स को और ये पॉसिबल हो सकता है जब वो मार्केट सेगमेंटेशन की स्ट्रैटेजी को अपनाता है. देन नेक्स्ट हमारे पास
टॉपिक है, दैट इज रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्राइटेरिया क्या है इफेक्टिव सेगमेंटेशन के लिए. आप किस बेसिस पे सेगमेंट करते हो और जो आप सेगमेंट बनाया है, जो आपने जिसको आप फोकस करने वाले हो, उससे आपको क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं और उसको सेगमेंट करने में कितनी आपकी कॉस्ट आई है, ये देखना जरूरी है. स्ट्रेंथ इस चीज में है कि आप कंज्यूमर्स को समझो और उसके अकॉर्डिंग अपने मार्केटिंग डिसीजंस लो, उसके अकॉर्डिंग सेगमेंट करो. तो एक सेगमेंट जो है मार्केट का, वो आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, वो इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि जो आपने मार्केट सेगमेंटेशन का पूरा प्रोसेस किया है वो किस बेसिस पे किया है, आपने कितनी रिसर्च की है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन से कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके कस्टमर्स के और क्या वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके प्रोडक्ट से मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. तो एक इफेक्टिव मार्केट सेगमेंटेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, क्राइटेरिया होना चाहिए जो कंसीडर करना है, दैट इज फर्स्ट इज आइडेंटिफाइबल. जो सेगमेंट है, जो ग्रुप ऑफ कस्टमर्स हैं, वो क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि जो आपका सेगमेंट आपने सेलेक्ट किया है, कौन सा कस्टमर उसके अंदर आता है और कौन सा कस्टमर उससे बाहर है, ताकि जो मार्केटर है वो आइडेंटिफाई कर सके कि किस सेगमेंट के ऊपर उसने फोकस करना है, कौन उसका जो प्रोस्पेक्टिव बायर है वो बन सकता है. देन नेक्स्ट इज मेजरेबल. जो इफेक्टिवनेस है सेगमेंटेशन की, वो डिपेंड करेगी उसकी मेजरेबिलिटी पर. मेजरेबिलिटी किस चीज की, वो उस वेरिएबल की जिसके बेसिस पे आपने मार्केट को सेगमेंट किया है. डेमोग्राफिक, सोशो इकोनॉमिक बेसिस जो है वो ऑब्जेक्टिव और मेजरेबल है. जैसे जो आपके इनकम है, एज है, सेक्स है, एजुकेशन है, प्रोफेशन है, रिलीजन है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. जैसे अगर एज है, अगर हमने कहा कि हमारा मार्केट सेगमेंट जो है वो 15-25 एज ग्रुप के लिए, तो अगर एक पर्सन 26 एज का है तो वो आपके सेगमेंट से ऑलरेडी बाहर हो जाता है. तो आप मेजर कर सकते हो उसको कि कितने जो पर्सन्स हैं वो 15-25 की एज में है और जितने भी पर्सन्स हैं वो आपका जो मार्केट सेगमेंट है उसे कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. देन नेक्स्ट इज असेसेबल. जो सेगमेंट है, जो आइडेंटिफाइबल है, वो असेसेबल भी होना चाहिए कि जो फॉर्म है उसे रीच आउट कर पाए. उसके पास सुटेबल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होने चाहिए. मतलब कि उस जो आपका मार्केटिंग मिक्स है, आप उन्हें उसके ऊपर अप्लाई कर सको, वो उसको रिस्पॉन्स कर सके, उतना असेसेबल वो होना चाहिए. नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिव, कि जो आइडेंटिफाइड मार्केट सेगमेंट है वो रिस्पॉन्स करे आपकी मार्केटिंग एफर्ट्स को. कि अगर आपने कुछ टेस्ट किया सपोज प्रोडक्ट, तो वो जो कंज्यूमर है, वो जो सेगमेंट है, वो उस टेस्ट को करने में आपकी हेल्प कर रहा है, वो उस प्रोडक्ट को ट्राई कर रहा है और उसको फीडबैक भी आपका दे रहा है. और उसके बाद रियल बाइंग हैबिट्स क्या है, उनकी मोटिव्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं आपके मार्केटिंग मिक्स को. तो दैट इज रिस्पॉन्सिवनेस. देन नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंट. जो अनदर क्राइटेरिया है इफेक्टिव सेगमेंटेशन का, वो ये कि उस सेगमेंट को जो आप मार्केटिंग मिक्स उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हो, जो उसको एक्सप्लोर आप कर रहे हो या उसके ऊपर रिसोर्सेज आप लगा रहे हो, तो रिस्पॉन्सिव तो हमने कहा होने चाहिए. सिग्निफिकेंट का मतलब है कि उसका रिजल्ट भी आपको मिलना चाहिए. अगर आप सेगमेंट के ऊपर रिसोर्सेज स्पेंड कर रहे हो, तो रिजल्ट किस फॉर्म में मिलेगा, कि जो कंज्यूमर है वो आपका प्रोडक्ट बाय कर रहा है, तो जो डिमांड प्रोस्पेक्ट्स है वो सफिशिएंटली हाई है, ब्राइट है और प्रॉफिटेबल भी है. देन नेक्स्ट इज सब्सटेंशियबल. जो सेगमेंट है वो इतना बड़ा होना चाहिए कि जस्टिफाई कर सके आप कि इस चीज को, कि आपने जो खर्चा किया है मार्केटिंग प्रोग्राम के ऊपर वो जायज है, वो आपको जो रिजल्ट है वो पे करेगा. तो लार्ज इतना होना चाहिए कि जो आपने इन्वेस्टमेंट उसमें लगाई है उसके ऊपर आपको प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो मिले. तो जो आइडिया है, दैट इज कि जो पोटेंशियल बायर्स हैं वो इतने होने चाहिए कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट है, वो कवर हो जाए और उसके बाद भी आप जो है प्रॉफिट अर्न कर पाए. इसके अलावा कुछ चीज़ें और भी हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती हैं. वो ये कि जो सेगमेंट है जिसे एक फॉर्म परस्यू करना चाहती है, वो एक्शनेबल होना चाहिए.
सफिशिएंट फाइनेंस, पर्सनल और कैपेबिलिटी होनी चाहिए आपके पास. देन सेगमेंट क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल होना चाहिए. सेगमेंट क्राइटेरिया जो आप फॉलो करोगे वो जो भी इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने इशू की हैं उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. जो फर्म है उसके पास रिसोर्सेज प्रॉपर होने चाहिए मार्केट सेगमेंटेशन के लिए जो ज़रूरत है. देन सेगमेंट में ग्रोथ पोटेंशियल होना चाहिए, अनयूजुअल रिस्क नहीं होना चाहिए. कॉम्पिटिटर्स जो हैं उसमें जो डायरेक्टली फाइट ना करे प्रोडक्ट या ब्रांड के साथ वो ज़्यादा अच्छा होता है. सेगमेंट रिलेटिवली स्टेबल होना चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ये नहीं कि हर महीने जो सेगमेंट है उसके करेक्टरिस्टिक चेंज हो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए आपका जो मार्केट सेगमेंट है, क्योंकि फिर आपका जो मार्केटिंग प्रोग्राम्स और एक्शंस है वो आपको रिजल्ट नहीं देंगे. तो जो मार्केट सेगमेंट है आपका सुटेबल, प्रैक्टिकेबल और अट्रैक्टिव होना चाहिए फर्म के लिए. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज मेथड्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू सो मच.